हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइज, आज हम कुछ इस टाइप की फोटो एडिटिंग करने वाले हैं। सो गाइज, ये एडिटिंग मैं आपको बिल्कुल इजी तरीके से सिखाने वाला हूँ, इसलिए आपको वीडियो को एंड तक देखना है। एंड आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपको चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है। सो गाइज, सबसे पहले लाइटरूम ऐप को ओपन कर लेना है और यहाँ पर प्लस वाला आइकन पर क्लिक करके अपनी फोटो को एड कर लेना है। गाइज, हम इस फोटो को एडिट करने वाले हैं, सिंपली इस पर क्लिक कर लेते हैं एंड इसको ऐड कर लेते हैं। फिर हमें सिंपली यहाँ पर ऑल फोटो पर क्लिक करना है एंड अपनी फोटो को ओपन कर लेना है। गाइज, इसके अंदर सबसे पहले हमें करना है लाइटिंग को एडजस्ट, तो सिंपली यहाँ पे लाइट वाले ऑप्शन पे हमें आ जाना है। एंड गाइज, एक्सपोजर है इसको हमें यहाँ पे इंक्रीज कर लेना है। एंड गाइज, कंट्रास्ट है इसको भी हल्का सा हमें यहाँ पे इंक्रीज कर लेना है। एंड इसके बाद आता है गाइज हाईलाइट, इसको हमें डाउन करना है। एंड शेडोज है इसको भी हमें हल्का से यहाँ पे डाउन कर लेना है। एंड इसके बाद आता है वाइट, इसको हल्का सा हमें इंक्रीज कर लेना है। एंड गाइज, इतना करने के बाद सिंपली यहाँ पे हमें डन कर लेना है। एंड अब हमें कलर ग्रेडिंग करनी, कलर वाले ऑप्शन पे हमें आ जाना है। एंड यहाँ पे हमें मिक्स वाले टूल पे हमें क्लिक कर लेना है। एंड गाइज, नेक्स्ट वाला कलर है यहाँ पे ऑरेंज कलर पे हमें आ जाना है। एंड इसकी सैचुरेशन इसको डाउन करना है, तो सिंपली गाइज यहाँ पे हम इसको इतना डाउन कर लेते हैं। एंड लुमिनेंस गाइज इसको हमें इंक्रीज करना है, लुमिनेंस को हम सिंपली यहाँ पे इतना कर लेते हैं। एंड गाइज, इसके बाद नेक्स्ट वाला कलर यहाँ पे हमें येलो कलर पर आ जाना है। एंड इसकी ह्यू को हमें डाउन करना है, -100 हमें कर लेना है। एंड गाइज, सैचुरेशन है इसको भी हमें -100 कर लेना है। एंड गाइज, इसके बाद आता है लुमिनेंस को हल्का से इंक्रीज करना है। एंड यहाँ पे नेक्स्ट वाले कलर हमें ग्रीन कलर पर आ जाना है। एंड इसके अंदर भी हुआ है गाइज, इसको हमें -100 हमें कर लेना है। एंड सैचुरेशन गाइज इसको भी हमें -100 कर लेना है। एंड लुमिनेंस की बात करें गाइज, इसको हल्का से यहाँ पे इंक्रीज कर लेना है। एंड गाइज, इसके बाद में सिंपली यहाँ पे डन कर लेना है। एंड अब हमें इफेक्ट वाले ऑप्शन पे आ जाना है। एंड विंटेज गाइज इसको हमें डाउन करना है, सिंपली यहाँ पे इतना डाउन हम इसको कर लेते हैं, ठीक है, आपको सिंपली इतना कर लेना है। एंड गाइज, यहाँ पे क्लियरिटी है इसको भी हल्का से यहाँ पे इंक्रीज कर लेना है। एंड इतना करने के बाद सिंपली यहाँ पे डिटेल्स के ऑप्शन पे आना है, अपनी फोटो को हमें स्मूथ करना है, ठीक है, तो डिटेल्स के ऑप्शन पे हम क्लिक कर लेते हैं। गाइज, इसके बाद यहाँ पे शार्पनिंग है इसको हमें इंक्रीज करना है, यहाँ पे सिंपली इतना कर लेना है। डिटेल्स को हमें सिंपली यहाँ पे फुल कर लेना है। नॉइस रिडक्शन है गाइज, इसको भी हल्का से इंक्रीज करना है, डिटेल्स को हमें फुल कर लेना है, ठीक है। इसके बाद आता है नॉइस रिडक्शन, कलर नॉइस रिडक्शन इसको भी हल्का से इंक्रीज करना है, डिटेल्स को एंड स्मूथनेस को दोनों को हमें फुल कर लेना है। एंड गाइज, आप देख सकते हो बिफोर एंड आफ्टर, अब हमें इसे स्नैपचैट ऐप के अंदर शेयर करना है, ठीक है, तो सिंपली यहाँ पे शेयर वाले ऑप्शन पे हमें क्लिक करना है एंड शेयर टू पे हमें क्लिक कर लेना है। गाइज, जिसको स्नैपचैट ऐप के अंदर शेयर कर लेते हैं। इसके बाद हमें सिंपली यहाँ पे पेंसिल वाले आइकन पे क्लिक करना है। एंड यहाँ पे गाइज आता है कर्स वाला टूल, ठीक है, इसके ऊपर हमें क्लिक करना है। एंड यहाँ पे चैनल के ऊपर हमें क्लिक कर लेना है। गाइज, यहाँ पे रेड कलर पे हमें आ जाना है, ठीक है, एंड इसको हमें फुल डाउन करना है, -100 हमें कर लेना है, ठीक है। एंड यहाँ पे हमें नेक्स्ट कलर ग्रीन कलर पे हमें आ जाना है, इसको हल्का सा हमें डाउन करना है, सिंपली यहाँ पे इतना कर लेते हैं, ठीक है। एंड इसके बाद नेक्स्ट वाला कलर ब्लू कलर पे हमें आ जाना है। एंड गाइज, इसको भी हल्का सा हमें डाउन कर लेना है, सिंपली यहाँ पे इतना कर लेते हैं। गाइज, इतना करने के बाद सिंपली यहाँ पे हमें डन कर लेना है, तो यहाँ पे अप्लाई कर लेते हैं। एंड फिर हमें यहाँ पे एडिट स्टॉक पे हमें क्लिक करना है, फिर आना हमें व्यू एडिट्स पे, ठीक है, तो हम यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं। गाइज, इसके बाद यहाँ पे कर्व वाला टूल है, इसके ऊपर हमें क्लिक करना है एंड ब्रश पे हमें क्लिक करना है। एंड गाइज, यहाँ पे है इन्वर्ट वाला ऑप्शन, तो सिंपली इस वाले ऑप्शन पे हमें क्लिक करना है एंड इसको हमें करना है 0, ठीक है। एंड अपनी स्किन के ऊपर हमें रब करना है, तो मैं सिंपली इसको जल्दी से रब कर लेता हूँ। एंड गाइज, इतना करने के बाद सिंपली यहाँ पे हमें डन कर लेना है एंड यहाँ पे हमें बैक आ जाना है। गाइज, इसके बाद सिंपली यहाँ पे पेंसिल वाले आइकन पे हमें क्लिक करना है एंड डिटेल्स के ऑप्शन पे हमें आ जाना है, ठीक है। एंड इसके बाद में यहाँ पे स्ट्रक्चर का इसको हमें हल्का से यहाँ पे इंक्रीज कर लेना है। एंड यहाँ पे शार्पनिंग है इसको भी हल्का सा हमें यहाँ पे इंक्रीज कर लेना है। गाइज, इसके बाद सिंपली यहाँ पे डन कर लेना है एंड वापस हमें पेंसिल वाले आइकन पे क्लिक करना है। एंड यहाँ पे हमें आना है पोर्ट्रेट पे, ठीक है, तो हम यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं। एंड गाइज, इसके बाद हमें आना है कॉम्बो 3 पे, ठीक है, तो कॉम्बो 3 पे हम सिंपली यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं। एंड इसके बाद में इसको हमें डाउन करना है। एंड यहाँ पे है स्किन स्मूथिंग, इसको हमें सिंपली यहाँ पे इतना कर लेना है। एंड आई क्लियरिटी है इसको हमें सिंपली यहाँ पे फुल कर लेना है, ठीक है। एंड यहाँ पे सिंपली इसके बाद हमें डन कर लेना है। एंड गाइज, इसके बाद सिंपली हमें यहाँ पे PNG को ऐड करना है, तो यहाँ पे पेंसिल वाले आइकन पे हमें क्लिक करना है, डबल एक्सेस पे हमें क्लिक करना है, ठीक है। फिर हमें आ जाना है यहाँ पे प्लस वाले आइकन पे क्लिक करके PNG को ऐड करना है। एंड गाइज, इसके बाद में सिंपली इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है एंड इसको हमें लाइटन कर लेना है, ठीक है। लाइटन करने के बाद इसको हमें अच्छे से यहाँ पे एडजस्ट कर लेना है। एंड गाइज, यहाँ पे इसको मैं फिक्स कर लेता हूँ। एंड इतना करने के बाद हमें सिंपली यहाँ पे डन कर लेना है। एंड गाइज, अब हमें वापस पेंसिल वाले आइकन पे क्लिक करना है एंड अब हमें आना है यहाँ पे सिलेक्ट टू टूल पे, ठीक है, तो हम यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं एंड अपने फेस के ऊपर इसको यहाँ पे फिक्स कर लेते हैं। एंड यहाँ पे सर्कल हमें बना लेना है। एंड इसके बाद ब्राइटनेस इसको हमें इंक्रीज करना है। एंड यहाँ पे कंटेस्ट है इसको हमें यहाँ पे इंक्रीज करना है, ठीक है, सिंपली इतना कर लेते हैं। एंड गाइज, यहाँ पे सैचुरेशन है इसको हमें हल्का से यहाँ पे डाउन कर लेना है। एंड स्ट्रक्चर है इसको हमें हल्का से इंक्रीज कर लेना है, ठीक है। एंड यही हमें अपने हैंड के ऊपर करना है, तो हैंड के ऊपर हमें इसको फिक्स कर लेते हैं। एंड इसके बाद यहाँ पे ब्राइटनेस इसको इंक्रीज करना है एंड
कंटेस्ट का इसको भी हल्का सा इंक्रीज करना है, सेचुरेशन है इसको हल्का सा हमें डाउन करना है, स्ट्रक्चर को इंक्रीज करना है, ठीक है। इतना करने के बाद सिंपली यहाँ पे डन कर लेना है। एंड गाइज आप देख सकते हो बिफोर एंड आफ्टर हमारी फोटो काफ़ी अच्छी एडिट हो चुकी है। सो सिंपली गाइज अब हम इसको सेव कर लेते हैं, तो हमें यहाँ पे सिंपली यहाँ पे सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। आई होप गाइज ये एडिटिंग आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी। पसंद वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।